अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों के पास आते हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू इसमें आ सकता है। कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें जो है वो एक सब या एक फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो मिसिंग होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन मिसिंग होता है, वो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन्स जो है वो जीरो होते हैं। यहाँ से एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं। अब आप लोगों के पास ये जो सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे इनके कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे हुए हैं, तो इनको देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, यहाँ से एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने इन तमाम पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन्स, इसको जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था और इसका नाम जो है वो जी जे स्टोनी ने जो है वो प्रपोज किया था, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या, बल्कि आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में ये जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये सारे आप लोगों के पास एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से एक कद एमसीक्यू या एक दो एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब शोज दैट कैथोड रेज, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग कैथोड रेज भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कैथोड रेज हैं ये हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड होता है, 5000 to 10000 वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, और इसके लिए प्रेशर कितना चाहिए होता है, 0.01 टार, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि लाइक आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या जो कैथोड रेज हैं ये हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। आप लोग इसको इस तरह से याद रखो, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑब्वियसली जितना नेगेटिव होगा उतना वो मतलब लाइट होता जाएगा, ठीक है। बाकी जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। नेक्स्ट है चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग देख सकते हो। चार्ज और मैस जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने देखने हैं, पॉइंट नंबर 5 and 6 की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 7 में कहता है कि मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.55 मिलीग्राम, ठीक है, mg। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड लास्ट कहता है कि E/m रेशियो इज कॉन्स्टेंट फॉर कैथोड रेज, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, इनमें से जो है वो एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो है इसको किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने जो है वो डिस्कवर किया था। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटॉन को हम लोग कैनाल रेज कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज कहते हैं और प्रोटॉन्स को कैनाल रेज कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कैनाल रेज आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कैनाल रेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। आगे आप लोगों के पास मैस और चार्ज की हमने, ये आप लोगों को वैल्यूज पता होनी चाहिए। समटाइम्स ये न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है सेपरेटली, तो ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। लास्ट में कहते हैं कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कैनाल रेज की प्रोडक्शन होती है, ये जो प्रोडॉन की जो है प्रोडक्शन होती है ये किस चीज़ पर जो है वो डिपेंड करती है। तो ये जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इट्स प्रोडक्शन, तो उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स जो है ये किसने डिस्कवर किए थे, शेडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन इज एमिटेड व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स लाइक ब्रिलियम एंड बोरॉन आर बम्बार्डेड विद द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें हम लोग न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी लाइटर एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, और उसको हम लोग बम्बार्ड करवाते हैं अल्फा पार्टिकल्स के साथ, तब हमारे पास न्यूट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इनकी जो E/m रेशियो होती है वो भी जीरो होती है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में जो है वो इसका मैस के बना है, मैस आप लोग देख लो, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम, ठीक है। हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन है और लाइटेस्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं कि न्यूट्रॉन हैविंग द एनर्जी इक्वल्स टू आर लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसे स्लो न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और अगर जो है वो इसकी एनर्जी जो है वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर हो तो उसे हम लोग फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि स्लो न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा है चार्जेस के, ठीक है। जिस कहते हैं जितने भी हमारे पास मोनोवेलेंट चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास जो है वो मोनोवेलेंट है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास जो है वो
नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बोहर थ्योरी ऑफ द एटम। आप लोगों ने इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो बुक से रीड करने हैं, बाकी जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन पे हमारे पास सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का रिलेशन आपको पता हो, बाकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व करने हैं, बाकी डेरिवेशन का जो है वो यहाँ पे कोई काम नहीं है। सो आप लोगों को फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये सिंगल रेडियस के लिए है। अगर स्टेटमेंट वो दो रेडियस की बात करें या दो नंबर ऑफ सब शेल्स की बात करें तब हम लोग जो है वो R1 और R2 लेंगे, ठीक है। बाकी सेम रिलेशन है, आप लोगों ने इस तरह से जस्ट उसको R1 और R2 का नाम दे देना है, ठीक है। तो ये आप लोग रिलेशन देख लें। यहाँ पे N जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ सब शेल्स को, ठीक है। आप लोग जब इसके ऊपर MCQs की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। बाकी सिंपल आप लोगों से अगर वो पूछ सकते हैं कि आप लोग जो है वो N1 के लिए रेडियस फाइंड करें, N2 के लिए रेडियस फाइंड करें, N3 के लिए फाइंड करें, तो नीचे उसने जो है वो रेडियस फाइंड की है। डिफरेंट रिलेशन यही है कि R इज इक्वल टू एन स्क्वायर इनटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आप लोग जस्ट सिंपल जो आप लोगों को नंबर ऑफ सब शेल गिवन होगा उसका स्केयर लेना है और उसको 0.529 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी समटाइम्स वो आप लोगों से पूछ लेते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कहता है कि जब हम लोग R2 के रेडियस को R1 के रेडियस से जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास वो लेस देन होगा R3 - R2। ये रिलेशन आप लोग याद कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर सिंपल वो आप लोगों से किसी सब शेल के लिए या किसी रेडियस के लिए वो कहता है कि आप लोग उसका वो फाइंड करो, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, तो आप लोग इजीली इस रिलेशन को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं वो इजी एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी आयन का रेडियस फाइंड करना हो तो उसके लिए आप लोग जस्ट क्या करोगे, उसको फाइंड करने के लिए जो है वो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को जो है वो डिवाइड करोगे उसके एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। तो आप लोग चाहे वो किसी भी आयन का रेडियस भी जो है वो ये जो लास्ट में रिलेशन लिखा है इसके थ्रू जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है वो देख लो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू वर्ड्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनर्जी के लिए भी हमारे पास एक रिलेशन है, कहता है कि अगर हमारे पास ऑर्बिट जो है वो क्वांटाइज्ड हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ई इज इक्वल टू -1312.26 डिवाइड बाय एन का स्क्वायर जो है वो रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे और साथ में माइनस किलो जौल पर मोल जो है वो यूनिट आएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने जो पीछे रेडियस का देखा था तो उसके साथ हमारे पास यूनिट कौन सा होगा, किलो जौल पर मोल। यहाँ पे एनर्जी फाइंड करें तो उसके लिए नेगेटिव किलो जौल पर मोल होगा। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोग उस तरह से जो है वो एन की वैल्यूज लेंगे। अगर जो है वो उसने फर्स्ट सब शेल का बोला, सेकंड का बोला, थर्ड का बोला, तो आप लोग जो है वो उसको एन कंसिडर करोगे और इस रिलेशन में पुट करोगे तो आप लोगों के पास जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। लास्ट उसमें हम लोगों ने जो रिलेशन देखा था आप लोग इसको देख सकते हो, हमने कहा था कि R2 को हम लोग जब माइनस करेंगे R1 के साथ तो हमारे पास वो लेस देन होगा R3 - R2 और वो लेस देन होगा R4 - R3। जबकि आप लोग जो है वो इस केस में देखो एनर्जी वाले केस में, तो यहाँ पे ये लिखता है कि जब हम लोग जो है वो फर्स्ट सब शेल की एनर्जी को जो है वो सेकेंड सब शेल की एनर्जी को जो है फर्स्ट सब शेल की एनर्जी में से माइनस करेंगे तो वो जो है जो क्वांटिटी आएगी या जो एनर्जी आएगी वो ग्रेटर होगी E3 - E2 और ये भी ग्रेटर होगी E4 - E5, ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, आप लोगों के पास यही रिलेशन आएगा। बाय द वे आप लोग इन रिलेशंस को याद कर लो, ठीक है। यहाँ से MCQ पॉइंट आते हैं, ये इजी पॉइंट्स हैं। अगर स्टेटमेंट आप लोगों को मेन टेस्ट में आ भी जाए तो आप लोग वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पहले से नहीं पढ़ी हुई तो फिर वहाँ पे सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। अगर आप लोग यहीं से इन चीज़ों को, इन दो पॉइंट्स को याद कर लो तो वहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी बंदे को ये चीज़ें नहीं पता तो पहले वो क्या करेगा, वो पहले जो है वो फर्स्ट सब शेल के लिए या फर्स्ट शेल के लिए जो है वो एनर्जी फाइंड करेगा, फिर सेकंड के लिए फाइंड करेगा, फिर उनका नेगेटिव लेगा, फिर थर्ड के लिए फाइंड करेगा, फिर फोर्थ के लिए फाइंड करेगा, फिर उनका डिफरेंस लेगा। तो इस तरह करते करते आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। आप लोग इन दो रिलेशन को यहीं से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि मैं द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इंक्रीजेज द टोटल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी, वो डिक्रीज होगी, ठीक है। कहते हैं जब भी हमारे पास जो नंबर ऑफ एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एन, ठीक है, जब उसकी वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी MCQ जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास है जी एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये कुछ एनर्जीज हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, कहते हैं एक्साइटेशन ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट सो दैट एन जो है वो इज इक्वल टू 1, और लोअर एनर्जी स्टेट
ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट और एक्साइटेड स्टेट वो टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट इज दिस। अच्छा जी, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? फॉर एग्जांपल कोई भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में, तो उसकी एन वैल्यू जो है वो वन होगी, ठीक है। बाकी जो है वो कितना वो हायर जाता है तो वो उस पर डिपेंड करती है, एन टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। तो ये आप लोगों ने कंडीशन के मुताबिक देखना है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आप लोगों को एम सी क्यू आता है वो ये इसका रिलेशन है, ठीक है। आप लोग जो है वो एनर्जी डिफरेंस फाइंड करोगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वो एनर्जी डिफरेंस का कहता है या एक्साइटेशन एनर्जी का कहता है, तो आप लोग कैसे एक्साइटेशन एनर्जी जो है फाइंड करोगे? आप लोग जो है वो उसके जो लोअर उसकी जो है ऑर्बिट की एनर्जी, उसको हायर ऑर्बिट की एनर्जी से माइनस करोगे तो आप लोगों के पास एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी। मतलब अगर अगर आपको एम सी क्यू में कहता है कि आप लोग एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करो, तो आप लोग ऑब्वियसली उन दो एनर्जीज का डिफरेंस लोगे तो आप लोगों के पास एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो आ जाएगी। डिफरेंस लेने के लिए फार्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू 1312.36 इंटू 1 बाय एन वन का स्केयर माइनस 1 बाय एन टू का स्केयर किलो जॉल पर मोल, ठीक है। आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करते हुए एक्साइटेशन एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो और दो एनर्जीज के दरमियान डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को एमसीक्यू में जो है वो उसने कौन सी वर्डिंग जो है वो दी हुई है। आप लोग जब इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ईजिली ये चीज़ें जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप लोगों ने बस दो चीज़ें याद रखनी है कि एक्साइटेशन एनर्जी और दो एनर्जी के दरमियान डिफरेंस जो है ये सेम चीज़ है। अब आप लोगों को जो है वो आप लोगों का जो मेन टेस्ट होगा या कोई भी टेस्ट होगा तो उसमें आप लोगों ने वर्डिंग पर फोकस करना है। नेक्स्ट है जी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी शेल वेदर इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट टू इन्फिनिटी, ठीक है। लाइक आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी जो होती है किसी इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 1312.36 डिवाइड बाई एन वन का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो एन वन है ये जीरो होगा तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1312.36, ठीक है। तो ये आप लोग जो है वो इसका रिलेशन भी जो है वो याद रखो। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ हैं जी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर टू हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर में से, ठीक है। चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर थ्री एंड चैप्टर नंबर फोर। चैप्टर वन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वहाँ से दो तीन एमसीक्यूज आते हैं, ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते। अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू आते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की पावर फोर, ठीक है, फोर टाइम्स ऑफ चार्ज। और जो फ्रीक्वेंसी है वो मास के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मास इंक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मास डिक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगी। अगर हम लोग जो है वो चार्ज को इंक्रीज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी फोर टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आप लोगों के पास यहाँ पे अगर क्वेश्चंस भी गिवन है टेक्टिकल एमसीक्यूज़, कहते हैं कि इफ़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम हाफ, तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हाफ होगी क्योंकि देर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड मास, ये आप लोग ऊपर देख सकते हो। और नीचे कहते हैं इफ़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बिकम डबल, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होगी। ये दोनों एमसीक्यूज़ पॉइंट हैं, आप लोग इसको जो है वो फिंगर टिप्स पे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर और वेव लेंथ में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। वेव नंबर का जो है वो वेव लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। जब भी वेव नंबर इंक्रीज होगा, सॉरी वेव लेंथ इंक्रीज होगी तो वेव नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। वेव नंबर का ये इक्वल का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेव नंबर का जो है वो चार्ज के साथ जो है वो फोर टाइम्स है, ठीक है, वेव नंबर। अब कुछ हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट से कहते हैं कि अगर मास को हम लोग जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के मास को डबल करें तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग वेव नंबर होगा वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन को डबल करें, सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग डबल करते हैं तो हमारे पास जो वेव नंबर होगा वो 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एक एमसीक्यू पॉइंट जो कि 2018 में जो आया था, कहते हैं कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बिकम्स हाफ सो दैट द करस्पॉन्डिंग वेव नंबर बिकम्स, देखो चार्ज अगर हाफ कर लें, चार्ज के साथ देखो उसके साथ उसके फोर टाइम्स जो है वो उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप लोग जस्ट सिंपल क्या करोगे, 1/2 की पावर 4 ले लोगे तो आप लोगों के पास ये 1/16 आएगा। दिस मीन्स दैट वेव नंबर जो है वो 16 टाइम्स जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी तो आप लोगों को ये आसान लग रहे हैं लेकिन आप लोग इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे एमसीक्यूज़ के ऊपर तो आप लोगों को ये चीज़ें भूल जाएंगी। ये आप मुझसे लिख के ले लो, ठीक है। सो आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की भी साथ साथ प्रैक्टिस करो वीडियोस देखने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट। व्हाट इज़ रेडबर्ग कांस्टेंट? कहते हैं कि इसका यूनिट जो है वेव नंबर के साथ जो है वो सेम होता है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि रेडबर्ग हैज़ अ सेम यूनिट एज वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, तो वेव नंबर के साथ उसका जो है वो यूनिट आपस में ये सेम यूनिट्स हैं। क्या यूनिट है? आर इज इक्वल टू 1.097 × 10⁻¹⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब वेवलेंथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या है?
वन ओवर वेव लेंथ इज इक्वल टू वन बाय एन वन का स्केयर माइनस वन बाय एन टू का स्केयर पर मीटर। ठीक है, ये हमारे पास वेव लेंथ आप लोग इस फार्मूला के थ्रू जो है फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को चाहे वो स्टेटमेंट में एन वन की वैल्यूज गिवन होगी, एन टू की भी गिवन होगी, आर की वैल्यू आप लोगों ने खुद याद करनी होगी विच इज़ 1.0974 इंटू 10^7 मीटर। ठीक है, बाकी आप लोग इस तरह जो है वो एक वेव लेंथ जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन की फाइंड कर सकते हो। ये जितने ही हम लोगों ने ऊपर एक्सप्लेन की है वेव लेंथ, वेव नंबर या फ्रिक्वेंसी, या ऊपर हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इनको ईजी नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम कहता है कि हैज़ अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कलर ऑफ द लाइट, लाइट विद द हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कहता है कि ऐसी लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली लाइट होती है ना, तो ये ज़्यादा बैंड होती है एज़ कम्पेयर टू लो वेव वाली फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ऐसी लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई होगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा बैंड होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वो लाइट की जिसकी फ्रिक्वेंसी लो है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। और जो फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो उसकी ऑब्वियसली वेव लेंथ कम होगी। तो अगर वेव लेंथ के लिहाज से पूछे तो जो जिसकी वेव लेंथ कम होगी जिस लाइट की, तो वो ज़्यादा बैंड होगी एज़ कम्पेयर टू दिस कि जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा है। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट में देखना है कि वो वेव लेंथ की बात कर रहा है या फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है। तो आप लोगों ने इन दोनों चीज़ को देखना है, बाकी आप लोगों को पॉइंट्स बताएं। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, किसी लाइट की, तो वो ज़्यादा बैंड होगी। अगर वेव लेंथ ज़्यादा है तो वो कम बैंड होगी। ठीक है, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इनको देखना है। अब हमारे पास स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होता है और एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम इसमें जो है वो ये जो कलर्स होते हैं ये आपस में ब्लेंड हुए होते हैं। ठीक है, ये विबगर ये रिलेशन है, आप लोग इसको इस तरह से याद रखोगे, ये कलर्स के नाम है। ठीक है, आप लोगों ने इसको एस्टेज याद रखना है, रेनबो के जो कलर्स होते हैं। अब रेनबो हमारे पास ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रम शो करता है, ये बेस्ट एग्जांपल है कंटिन्यू स्पेक्ट्रम की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम इसमें हमारे पास जो है वो प्रॉपर बाउंड्रीज बनी होती हैं कलर्स के दरमियान। ठीक है, कलर्स डिफरेंशिएट हुए होते हैं। ठीक है, स्पेसेस होती हैं कलर्स के दरमियान, दे गिव एटॉमिक दे आर गिवन बाय एटम्स। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि एटम्स जो हैं ये लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं या कंटिन्यू स्पेक्ट्रम शो करते हैं। तो एटम जो है हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। ठीक है, अब लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास दो तरह के होते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये आप लोगों ने बुक से इनकी डेफिनेशंस देख लेनी है, बाकी में कोई एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। आप लोगों से इनके एग्जांपल्स का पूछ सकते हैं कि लाइक आप लोग बताओ कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है या कंटिन्यू स्पेक्ट्रम शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। रेनबो का पूछे तो रेनबो हमारे पास कंटिन्यू स्पेक्ट्रम शो करता है। अब यहाँ पे आगे हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एमसीक्यू लाजमी आता है, बल्कि एक नहीं, ये टेबल मैंने थोड़ा डिटेल में बनाया हुआ है, इसमें लास्ट में आप लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का भी जिक्र किया गया है। तो एक एमसीक्यू तो आप लोगों को इस तरह से आता है कि आप लोग बताओ कि लाइमन सीरीज जो है वो कौन से स्पेक्ट्रल रीजन में लाई करती है। ठीक है, एक तो एमसीक्यू आप लोगों से इस तरह वो पूछता है, या फिर वो आप लोगों से इस तरह पूछ सकता है कि आप लोग बताओ कि पेस्टिन सीरीज़ में कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं। तो ये टू टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ हैं जो कि यहाँ से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, देखो लाइमन सीरीज़ हमारे पास ये यूवी रीजन में फॉल करता है, बाल्मर सीरीज़ जो है हमारे पास विजिबल रीजन में फॉल करता है, पेस्टिन सीरीज़ जो है वो आईआर रीजन के नियर फॉल करता है, ब्रैकेट सीरीज़ बिल्कुल जो है वो आईआर रीजन के अंदर फॉल करता है, और जो पीफ्रंट सीरीज़ है वो फार अवे आईआर रीजन जो है वो फॉल करता है। ये पांच डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें तो हमारे पास जो लाइमन सीरीज़ है इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो ज़ीरो होती हैं, बाल्मर सीरीज़ में हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन होती है। ठीक है, पेस्टिन सीरीज़ में हमारे पास तीन जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, और ब्रैकेट सीरीज़ में जो है वो छः स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, और पीफ्रंट सीरीज़ में आप लोगों के पास 10 स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। आप लोग इनको रटा भी कर सकते हो, अदरवाइज नीचे जो है वो रिलेशंस गिवन है, आप लोग उनके थ्रू भी जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यही हमारे पास चीज़ आती है कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, किसी भी स्पेक्ट्रम में आप लोग कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड कर सकते हो? अगर तो ट्रांजिशन जो है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान है, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है वो रिलेशन यूज़ करेंगे एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। और अगर ट्रांजिशन जो है वो दो एक्साइटेड स्टेट्स के दरमियान हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है एन स्केयर माइनस एन वन इंटू एन स्केयर माइनस एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये आप लोगों के पास दो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए आप लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो जो चीज़ें हैं ये भी, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से लाजमी दो एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारे पास सम डिफेक्ट्स इन द बाहर थ्योरी। अब बाहर थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी हैं तो वो देखते हैं। तो पहला डिफेक्ट यह है, कहता है कि बोहर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन्स मोर देन वन। ठीक है, उसने लाइक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो, ऐसे एटम्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जिनके इलेक्ट्रॉन्स एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, उसने जो है वो ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। अब ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशंस तो मैंने मेंशन नहीं की लेकिन इनकी डेफिनेशन समटाइम्स एमसीक्यू में आती हैं। ज़ीमैन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में जब स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट होंगी तो उसे हम लोग ज़ीमैन इफेक्ट बोलेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो उसमें इन्फ्लुएंस में जब हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होंगी तो उसे हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ज़ीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंडर और जो स्टार्क इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी आप लोगों ने देखना है। इट इज़ अगेंस्ट ऑफ द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन द वेव नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एस्टैब्लिश्ड लेटर बाय द डी ब्रोगली। ठीक है, तो ये चार उसके बोहर के डिफेक्ट्स हैं बोहर थ्योरी के, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ से भी एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरेज। एक्सरेज को हम लोग रोंटगेन रेज भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक्सरेज जो है वो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई होती है और उनकी वेव लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। कितनी शॉर्ट होती है यहाँ पे मेंशन है, आप लोग उसको देख लो। ठीक है, ये जो है वो डबल सी रॉन्टजेन ने जो है वो उसको डिस्कवर किया था। बाकी इसको प्रोड्यूस करने के जो है वो तीन डिफरेंट मैथड्स हैं। एक रॉन्टजेन मैथड है, ठीक है, कोलीज मैथड है, एंड बाय यूजिंग द बीटाट्रॉन डिवाइस बाय द डी डब्ल्यू क्रिट। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो एक्सरे को जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द प्रोसीजर्स फ्रॉम विच वी कैन डिस्कवर द एक्स रेज एक्सेप्ट, तो आप लोगों को इन तीनों प्रोसीजर्स का मेथड्स का नाम पता हो। नेक्स्ट कहते हैं कि दे आर चार्जलेस एंड मैसलेस, इनका चार्ज भी नहीं होता, मैस भी नहीं होती, इनकी ई आई ई बाई एम रेशियो जो है वो जीरो होती है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो दे हैव एबिलिटी टू आयनाइज द गैसेस। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट आप लोगों को उठा के एमसीक्यू में दे सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास मेंडलीव्स लॉ। मेंडलीव्स लॉ जो है वो स्टेट्स दैट स्केयर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे आप बी जो है वो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है और आप लोग रिलेशन इसको देख सकते हो अंडर द रूट ऑफ वी। वी जो है वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है विच इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे बी जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। अब स्पेक्ट्रल सीरीज अगर के की बात करें तो उसके लिए बी जो है वन होगा। ठीक है, एल के लिए जो है वो बी टू होगा एंड सो ऑन। और ए हमारे पास है वो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किसी मेटल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी नेचर पर। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ए है, ठीक है, इस रिलेशन में वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वो मेटल की नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास वेव थ्योरी ऑफ द मैटर। तो वेव थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता होता है कि वेव थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की, तो डी ब्रोगली ने जो है वो वेव थ्योरी प्रपोज की थी, बोहर ने नहीं की थी। तो डी ब्रोगली जो है वो वेव थ्योरी प्रपोज की थी, कहते हैं कि वेव लेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। तो वेव लेंथ कोई भी अगर पार्टिकल मूव करे तो उसके लिए हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे उसकी वेव लेंथ को फाइंड करने के लिए। वेव लेंथ इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास जो है वो एम वी को हम लोग लिख सकते हैं पी मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना, तो उसको हम लोग पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रिलेशन में मास और वेलोसिटी गिवन है तो आप लोग एच डिवाइड बाई एम वी यूज़ करोगे। अगर डायरेक्ट उसने मोमेंटम दी है तो आप लोग सिंपल एच डिवाइडेड बाई पी जो है वो यूज़ करोगे। अब यहाँ पे जो है वो लैम्ब्डा जो है वेवलेंथ को शो कर रहा है, एम मास को शो कर रहा है, वी वेलोसिटी को शो कर रहा है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट को शो कर रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, 6.6262 इंटू 10^-34 जूल सेकंड। ठीक है, तो ये आप लोगों को लाजमी याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पी मोमेंटम को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद होगी तो आप लोग इस रिलेशन को जो है वो यूज़ कर सकोगे, अदरवाइज़ आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, सो लिहाजा आप लोग इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखो और एच की वैल्यू को भी याद रखो। नेक्स्ट कहते हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स नॉट फॉर द लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स की उसके लिए यूज़ करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स के लिए इसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स बेसिकली ये फोर सेट्स ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, जो एड्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, डिफरेंट वेज में, वो आगे जाके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं साइज को, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस को फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, या तो फिर हमारे पास जो है वो
हम लोग क्वांटम नंबर्स को यूज़ करते हैं टू डिसाइड द शेप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबशेल के अंदर, ठीक है, या फिर हम लोग इसको यूज़ करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने के लिए, या उनकी डायरेक्शनल पोजीशंस फाइंड करने के लिए, या फिर हम लोग इनको यूज़ करते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनकी स्पिन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग आगे जाकर देखते हैं कि ये किस किस क्वांटम नंबर का जो है वो स्पेसिफिक फीचर है कि लाइक उसके थ्रू हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से जो है वो डिनोट करते हैं, और इससे हम लोग जो है वो क्या क्या फाइंड कर सकते हैं या क्या किस किस चीज़ का पता चला सकते हैं। एक तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज़ करते हुए साइज़ ऑफ ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास है वो किसी ऑर्बिट का उसके न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर, या फिर हम लोग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किस रिलेशन से, टू एन स्क्वायर फार्मूला से, ठीक है। या फिर हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर एन स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके। या फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज़ करते हुए, कैसे, एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तीनों फार्मूलाज बल्कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें किसी ऑर्बिट के अंदर, तो आप लोग टू एन स्क्वायर फार्मूला यूज़ करोगे। अगर आपसे वो कहता है कि आप लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करो किसी ऑर्बिट के अंदर, तो आप लोग सिंपल एन स्क्वायर फार्मूला यूज़ करोगे। लेकिन अगर वो आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का कहता है कि आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो, तो आप लोग एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई टू पाई वाला रिलेशन जो है वो यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एजीमिथल क्वांटम नंबर। अब एजीमिथल क्वांटम नंबर जो है बेसिकली इट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एल हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एन माइनस वन की इक्वल होता है, ठीक है। एन की वैल्यू आप लोग फाइंड करोगे, उसमें से वन को माइनस करोगे, तो आप लोग के पास एजीमिथल क्वांटम नंबर जो है वो आ जाएगा। अब एन के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल एन अगर हमारे पास वन होगा ना, तो एल ज़ीरो हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू टू है तो एल हमारे पास वन हो जाएगा, तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, ज़ीरो एंड वन। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास l जो है वो 2 हो जाएगा, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास बताता है कि किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटॉल्स हैं, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स इन सबशेल। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, ठीक है। तो आपको अगर l की वैल्यू पता है तो आप इजीली m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एम की वैल्यू जो है वो एस के लिए हमारे पास जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। पी के लिए हमारे पास जो है वो वन होती है, और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन। डी के लिए हमारे पास टू होती है, उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, प्लस वन एंड प्लस टू। तो हम लोग जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, तो उसको इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। स्पिनिंग हमारे पास जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो तरह की होती है, एक क्लॉकवाइज होती है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर उसकी स्पिनिंग क्लॉकवाइज है तो उसे हम लोग माइनस वन ओवर टू से इंडिकेट करेंगे या डिनोट करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे प्लस वन ओवर टू से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नोड्स। अब नोड्स क्या होते हैं, नोड्स एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों से ये एमसीक्यू में आ सकता है कि हमारे पास जो है वो किस रीजन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो होती है, तो नोड्स के ऊपर हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। नोड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। अब रेडियल नोड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन है एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है। अगर आपको एन की वैल्यू पता है, एल की पता है, आप लोग ईजिली जो है वो किसी भी रेडियल नोड्स का नंबर जो है वो बता सकते हो, ठीक है, कि किसी ऑर्बिटॉल के अंदर या कहाँ पे कितने रेडियल नोड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब 1s, 2s एंड 3s, इसमें हम लोग देखते हैं कि रेडियल नोड्स कितने कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल 1s है, अब ये देखो ये जो 1 है ना स्टार्टिंग में, 1, 2, 3, ये n की वैल्यू को शो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो अगर n की वैल्यू जो है वो 1 होगी तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास l की वैल्यू n माइनस 1 होती है ना, ठीक है, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। तो आप लोग फिर इस लिहाज से इस तरह को इसको जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 3s का देख लो, 2s का देख लो, 1s का देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर नोड्स, ठीक है। एस के अंदर हमारे पास जीरो एंगुलर नोड्स होते हैं, पी के अंदर वन होता है, डी के अंदर टू एंगुलर नोड्स होते हैं, और एफ के अंदर थ्री एंगुलर नोड्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको एज इट इज़ याद कर लो। अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल है एन माइनस वन, ठीक है। अगर आपसे वो बोलता है कि आप लोग जो है वो 3s में टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताओ, तो आप लोग सिंपल क्या करोगे, ठीक है, 3 में से 1 को माइनस कर लोगे, आप लोग के पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो है एन माइनस वन। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप लोगों ने फाइंड करने हैं रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स एंड टोटल नोड्स इन 4D, ठीक है। आप लोग ये फाइंड करो और कमेंट्स में बताओ।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन प्लस एल रूल। ठीक है, आप लोगों को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से लाजमी एम सी क्यू होता है, स्पेशली जो एम डी कैट एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से लाजमी एम सी क्यू होता है कि एम यू कैट में केमिस्ट्री के इतने एम सी क्यूज नहीं होते, लाइक 30 एम सी क्यूज होते हैं। तो समटाइम्स इधर से एम सी क्यू नहीं आता, लेकिन मोस्टली चांसेस होते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। ठीक है, वही आप लोगों को एक चार्ट्स है, ठीक है, एन प्लस एल रूल वाला, वो आपकी बुक में बना हुआ, आप लोगों ने उसको बस सिंपल सीख लेना है। तो उसके मुताबिक आप लोग इजीली जो है वो किसी भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एन प्लस एल रूल क्या है, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू, इसे हम लोग अबव प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इसके मुताबिक ये कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो फेल होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो हमारे पास जो लोअर एन प्लस एल वैल्यू है ना, उससे लेकर हायर एन प्लस एल वैल्यूज के मुताबिक हम लोग जो है वो उसको फिल करते हैं। ठीक है, मतलब लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास ये रिलेशन है, तो ये आप लोगों ने देख लेना। ये रिलेशन बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग पहले किस चीज़ को फिल करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि इनकेस एन प्लस वन वैल्यू, अगर हमारे पास अगर एन प्लस एल वैल्यू जो है वो सॉरी एन प्लस वन वैल्यू जो है वो अगर सेम आ जाए, फिर हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को पहले कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ फिल्ड फर्स्ट इन द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो फिर जिसकी एन वैल्यू कम होगी तो फिर हम लोग उसको पहले जो है वो कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल 3p एंड 4s। अब 3p एंड 4s में हमारे पास फॉर एग्जांपल इनकी एन प्लस वन वैल्यू सेम है, तो फिर हम लोग पहले किसको जो है वो कंसिडर करेंगे, हम लोग पहले 3p को कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसकी एन वैल्यू जो है वो स्मॉल है। ठीक है, हम लोगों ने बात की ना कि अगर हमारे पास एन प्लस एल वैल्यू, मैं बार बार L कह देता हूँ, ये L नहीं है, बेसिकली N प्लस वन है। ठीक है, N प्लस वन वैल्यू जो है वो सेम होगी तो हम लोग जो है वो उसको फिल करेंगे जिसकी N वैल्यू स्मॉल होगी, जैसे कि एग्जांपल उसने दी है, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गो इनटू द 3p सब शेल, उसके बाद वो फिर 4s में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स। अब नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट है, आप लोग जो है वो देखो, सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो है एन माइनस वन। तो n माइनस वन आप लोग फॉर एग्जांपल देख लो, 1s है, इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो स्टार्टिंग में जो नंबर गिवन होता है ये n होता है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, सो हमारे पास 1s में जो है वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 0। 2s में कितने हैं, 1। 3p में कितने हैं, 1। और 3p में 2p में कितने हैं, 1। 3p में कितने हैं, 2। ये आप लोग देख लो। ठीक है, रिलेशन कौन सा है, एन माइनस वन। ये अभी तो आप लोगों को चीज़ें ये समझ आ रही होगी, लेकिन जब ये पेपर में चीज़ें आती हैं तो ये मिक्सअप हो जाती हैं। सो आप लोगों ने इनके ऊपर MCQs की प्रैक्टिस करनी है, फिर ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड करते हैं किसी सब शेल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है 2L+1 × n-1। नेक्स्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन ऑर्बिटल, सब शेल में फाइंड करने के लिए हम लोगों ने रिलेशन देख लिया, अब ऑर्बिट का देखते हैं, ऑर्बिटल नहीं सॉरी ऑर्बिट। ठीक है, इसके लिए n² × n-1 ये रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर नोड्स, अब एंगुलर नोड्स देखते हैं किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने एंगुलर नोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एस होता है ना, इसमें 0 एंगुलर नोड्स होते हैं, पी में 1 एंगुलर नोड होता है, डी में जो है वो 2 एंगुलर नोड्स होते हैं, और एफ में कितने होते हैं, 4 एंगुलर नोड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर नोड्स इन सब शेल, तो सब शेल के अंदर एंगुलर नोड्स फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन है L × 2L+1। ठीक है, ये अभी मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ के रिलेशन ही बता रहा हूँ, तो आप लोग इनके ऊपर MCQs की प्रैक्टिस खुद करोगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले बताया था कि लाइक आप लोगों को MCQs की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है n-L-1। ठीक है, तो आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल 1s है, अब इसमें n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो l ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, सो n-L-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाकी भी यहाँ पे 2s की 2p की 3p की गिवन है, आप लोग इनको देख लो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है वो रेडियल नोड्स कैसे फाइंड करते हैं किसी सब शेल के अंदर, तो उसके लिए रिलेशन है 2L+1 × n-L-1। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिलेशंस आप लोग अपने पास नोट भी कर लो और उनके ऊपर कोशिश करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ें आप लोगों को ईजिली जो है वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू वर्ड्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी शेल के अंदर कैसे ऑर्बिटल्स फाइंड करते हैं, तो शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने के लिए सिंपल यही है कि आप लोगों ने जो है वो एन की वैल्यू का स्केयर ले लेना है। फॉर एग्जांपल अब के में हमारे पास एन की वैल्यू 1 होती है, सो हम लोग 1 का स्केयर ले लेंगे, सो हम लोग कह सकते हैं कि के में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 ऑर्बिटल है। एल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4, क्योंकि 2 का स्केयर 4।
एम में हमारे पास एन की वैल्यू 3 होती है, सो 3 का स्क्वायर 9, सो एम में हमारे पास 9 ऑर्बिटॉल्स होते हैं। तो इस तरह से आप लोग बाकी भी उनके और फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, शेल्स के ऑर्बिटॉल्स फाइंड करते हैं किसी शेल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स किसी सब शेल में कैसे फाइंड करते हैं। तो सब शेल में फाइंड करने के लिए 2L+1 रिलेशन है, आप लोग इसको यूज़ करोगे, ठीक है। देखो एस में हमारे पास एन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली वो 1 हो जाएगी। तो आप लोग जस्ट सिंपल बस इन रिलेशन को यूज़ करो, दैट इज़ इट। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स इन एन ऑर्बिट, तो ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स फाइंड करने के लिए आप लोग जस्ट सिंपल एन का स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी शेल के अंदर आप लोग कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करोगे। तो उसके लिए रिलेशन है 2n² फार्मूला, ठीक है। k के लिए हमारे पास n की वैल्यू 1 होती है, सो 2 × 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो इस तरह आप लोग LMN का भी जो है वो फाइंड कर लोगे। अब देखते हैं हम लोग किसी सब शेल के अंदर कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। तो उसके लिए रिलेशन है 2 × 2L+1 या 4L+2। आप लोग इन दोनों रिलेशन से जो है वो किसी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग इनको देख लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी ऑर्बिटॉल के अंदर कैसे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करते हैं। तो कहते हैं कि इन एनी ऑर्बिटॉल देर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप लोगों से ये स्पेशली एमसीक्यू आ सकता है कि किसी ऑर्बिटॉल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन एनी ऑर्बिटॉल, तो उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सब शेल्स इन द शेल। तो किसी शेल के अंदर सब शेल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास जस्ट सिंपल वो एन की वैल्यू जो होती है ना, उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे उसने एग्जांपल दी है, वो आप लोग देख लो। देखो के में हमारे पास जो है वो 1, एन की वैल्यू 1 होती है ना, सो उसमें हमारे पास कितने सब शेल होंगे, 1 होगा। एल में हमारे पास एन की वैल्यू 2 होती है, सो एल में हमारे पास कितने सब शेल्स होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इनको ईजिली फाइंड कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते हैं नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा जी, किसी ऑर्बिट को जो है वो स्टडी करने के लिए हमें जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, फॉर द कंप्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्बिट। हमें सिर्फ प्रिंसिपल नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आ सकता है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि किसी ऑर्बिट को स्टडी करने के लिए या किसी सब शेल को, ऑर्बिटॉल को या किसी इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने के लिए हमारे पास कौन कौन से नंबर जो क्वांटम नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए या स्टडी के लिए। सब शेल के लिए हमारे पास 2 क्वांटम नंबर जो है वो चाहिए होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजमथल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्बिटल के लिए हमारे पास जो है वो 3 क्वांटम नंबर जो है वो चाहिए होते हैं, प्रिंसिपल, अजमथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए हमें सारे क्वांटम नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे चाहिए होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने के लिए। सो ये तो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2, उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स सीखे होंगे, ठीक है। उस वक्त तो आपको समझ आए होंगे, लेकिन अभी एट द एंड अगर मैं आपसे कुछ पूछूँ तो आप लोगों को वो ऑलमोस्ट, बल्कि आप लोग खुद भी अपने जहन में वो चीज़ें सोचें तो आप लोगों को चीज़ें मिक्स्ड अप होती हुई नज़र आ रही होंगी। सो मिक्स्ड अप को जो है वो इसका सोल्यूशन यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एंड इंशाल्लाह ये मिक्सअप वाला जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों का खुद बहुत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा MCQ आप लोग सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा चांस है कि आप लोग केमिस्ट्री के पोर्शन में जो है वो स्कोर करो। अदरवाइज हर दूसरे बंदे को केमिस्ट्री जो है वो मार देती है, ठीक है। एक हर बंदा यही कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरे केमिस्ट्री में कम स्कोर आया है, तब मेरा ओवरऑल बहुत कम जो है वो एग्रीगेट बना है। तो केमिस्ट्री पे आप लोगों ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फिजिक्स फिर कुछ हद तक वो हो जाती है, बायो भी हो जाती है, इंग्लिश भी हो जाती है, लेकिन केमिस्ट्री विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।